हाँ जी, तो आज हो गई है 22nd और कल हमारा बर्थडे है। तो अभी एक नया प्रोजेक्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं अपना, जो कि हम एक आपको सैंपल देंगे कि हमारा काम कैसा होता है, और हम उसमें करने जा रहे हैं कंप्लीट मेकओवर। तो चलते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं और बताते हैं किसकी प्रॉपर्टी है, क्या काम होगा और क्या करेंगे, अभी क्या सिचुएशन है और बाद में क्या होगी। आपको ये पूरी सीरीज बना रहे हैं हम, तो आपको देखिए, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर ऐसा ही कुछ काम करवाना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वी व्यू लाइफ। और आज सीन कुछ ऐसा है, सुबह से हालत टाइट होगी, ये देख लो भाई साहब, बड़े दिनों बाद शर्ट डाली है, उसमें भी पसीने आ गए हैं, बिकॉज काम कुछ ज्यादा कर लिया आज और भाग दौड़ कुछ ज्यादा कर लिया है। और वो करी किस लिए है, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है, तो भैया आज थोड़ी भाग दौड़ बनती है। अभी खाया भी कुछ नहीं है, तो पहले जनकपुरी में ही हूँ, कुछ खा लेते हैं। और आपको काम का तो हमने बता ही दिया, एक क्लिप देख लीजिए कि किया क्या हमने सुबह से अभी तक, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो वो देखिए। सो ये है कुछ घर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। ये बाथरूम है, इसके अंदर ऐसी ये पूरा टूट के नया बनवाएंगे। ये अपना लॉबी है, ये सब टूट रहा है, ये पूरा टूटेगा। ये ड्राइंग रूम है, तो इस टाइम पे आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा अभी फर्श वर्श लगा हुआ है, फॉल सीलिंग ऊपर होगी, पूरा इंटीरियर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ का भी काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। तो ये बस मैं अभी आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, जो जो काम जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये लॉबी में आ गए, ये लास्ट एक फर्स्ट बेडरूम है, इसमें ऊपर हम डिज़ाइन दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ करेंगे कारीगरी हमारी, सामान सारा हमने यहाँ निकाल दिया है। ये वॉल भी टूटेगी, इस पर भी कुछ काम होगा बहुत ही अच्छे वाला, तो आपको बताएंगे हम बाद में, पहले अभी आपको रफली दिखा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, टूटियाँ खोल दिए, पानी जितना निकल जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। ये है रूम एक और, इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिकॉज थोड़ा गंदा था ज़्यादा, तो इसमें हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे, इंटीरियर का काम, पेंट वेंट सब फिनिशिंग हम करेंगे इसमें, आपको दिखेगा। और ये आ गया एक और बेडरूम, ये देख सकते हैं इसके अंदर भी काम होना है। और एक बाथरूम है यहाँ पे, इसको भी हम तोड़ के पूरा सेट करेंगे। तो ये अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में इससे पूरी सीरीज आएगी। ये हो गया इसका एपिसोड 1, और आगे जो आएंगे उसमें आपको अपडेट करते रहेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और अगर ऐसा कोई काम करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको सारी डिटेल दे दी है, कॉन्टैक्ट करें हमें, हम आपके लिए ये काम करेंगे कम प्राइस में और बेस्ट काम। हाँ जी हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक बार दोबारा, दो दिन पहले आपने शायद ब्लॉग देखा होगा पिज्जा वाला, तो वहीं पे आ चुके हैं, बिकॉज भाई पिज्जा अच्छा लगा था और मैं अकेला था, तो मैंने कहा भैया सेफ जगह वहीं चल के खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बट हाँ खा लेते हैं। यहाँ पे अपना बन रहा है पिज्जा, तो अब मिलते हैं पिज्जा खाने के बाद। Oh my God, done with the pizza, pizza. अब वेट करते हैं किसी का, कोई आने वाला है, कौन कौन कौन, डॉन डॉन डॉन, देखते हैं बताते हैं। आपके लिए तो 2 मिनट भी नहीं होगा, 2 सेकंड में आ जाएगा, हमारे लिए वेट करते हैं। 1 2 3। भैया क्या हाल है भैया, कहाँ दुकान पे जा रहे हो, भैया ठेले पे जा रहे हो, फिर समझ नहीं आ रहा कहीं तो जा रहे हैं, और ओके। तो यहाँ पे हम घूम रहे हैं विदाउट हेलमेट, सोसाइटी के अंदर है इस करके हम विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं, अदरवाइज हम विदाउट हेलमेट, बिकॉज लॉयर साहब ही लॉयर, लॉ तोड़ देंगे तो फिर क्या फायदा होगा। और काफ़ी दिन हो गए थे स्कूटी पे चक्कर नहीं मारा भाई के साथ, तो आज इनकी सोसाइटी में थोड़ा सा घूम रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जॉय आने वाला है, उसको वेट के लेके जाना है, तो उससे भी मिलवाते हैं आपको, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे जॉय हमारा आ चुका है टैक्सी के अंदर, हेलो
जॉय आ चुका है। हाँ जी, ओह देख कैमरा दिखते यार, पलटी मारते यार ये। हाँ ठीक, अच्छा अभी तक तो नहीं आ रहा था मेरे पास। अच्छा, और यहाँ पे गरिमा जी इतने तैयार हो कि क्यों आए हो भाई? और कैब में क्या हुआ था? यहाँ पे आ चुके हम सीमा मासी के। हेलो भाई, क्या हाल है? नमस्ते। पहले भी नहीं के आए थे हम, तो बस अब जो है इनसे मिल रहा है और हम थोड़ी देर बाद वेट के जाएंगे। वेट के अभी तक क्यों नहीं गए आप? 6 से 9 है, यही तो दिक्कत है। चलो चलते हैं, फिर लेके जाएंगे और बताएंगे आज इसके साथ क्या हुआ और क्या रिस्पॉन्स है इसकी ग्रोथ पे और तबीयत पे। हाँ, यहाँ पे आ चुके हैं और भाई सब एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट है। तो इसको आज एक इंजेक्शन लगना है, वो लगवाते हैं और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना एक फ्रेंड बना लिया अपना। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। ये देखो फर्स्ट टाइम इतने पास जा रहे हैं किसी डॉगी के। Exactly, same. अच्छा जी, हम जाने नहीं देते इतना पास। नहीं, ये तो बहुत फ्रेंडली है, इसको तो कोई भी दे दो, इसको डॉग अभी बड़े से बड़ा ले आओ, ये उसके पास भी जाएगा मिलने के लिए। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, डर गया, जॉय डर गया, आज डर गया। चलो चलो चले, चलो 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 चलो। नाम क्या है इसका? डस्की। अब डर रहा है। तो यहाँ पे जॉय ने एक और फ्रेंड बना लिया आज। भाई क्या चक्कर है, आज आप फ्रेंडशिप डे मना रहे हो हैं? वो देखो वो देखो, ओ माय गॉड, डस्की है ये। और ये हमारा है अमेरिकन बुली। यहाँ पे गरिमा है, चले बाय डस्की। ओ देखो खेल रहा है वो प्रॉपर। ये देख ये देख ये देख, अभी हम जाएंगे, बाय डस्की। चलो चले, यहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये भाई साहब गाड़ी देखना कैसे चला रहा है बंदा, बोनट खोल के चला रहा है। भूत तो नहीं इसको दिख रही होगी आगे? अच्छा, वो इसके बीच में से देख रहा है। मतलब हरकतें क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही, बेवकूफ है क्या? यार क्या पता वो अड़ गया और नहीं बंद हो रहा, एक्सीडेंट हुआ खुला पे खुला। बट ये गलत है ना? हां, तो रिस्की, बट वो उसको मैकेनिक के पास जाके करवाना चाहिए। नंबर प्लेट भी छुपाई हुई है उसने इसी बहाने। वो देखो और खुल गया, देखा? हां यार ये गलत है ना, बेवकूफ इंसान। अभी घर पहुंचे हैं और अब इसकी स्टेटस आपको बताए थे जॉय का, अभी थोड़ा सा आगे से रिकवर कर रहा है, खाना भी खाने लग गया है, अभी से पता लग गया। बस जॉय बोला तो हाँ आपकी आ गई जी, वीडियो आ गया। हाँ आपकी बात ही हो रही है भाई, आपकी बात ही हो रही है। होगी होगी, हाँ 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 ठीक है, आपको फुटेज में यार देखियो। जॉय क्या हो गया, नाम लेने की देर है? देखो जॉय की बात कर रहे हैं हम, जॉय की। ये देखो भाई, इसको भी लगता है एक चैनल खोल देना चाहिए हमें, जिसमें ये अपने व्लॉग्स डाले कि जॉय वॉय कैसे रिएक्ट करता है। चलो ठीक है, अभी हम आ चुके हैं, आगे से बेटर हो चुका है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज कल मेरा बर्थडे है, हमने सारे प्लान कैंसिल कर दिए थे अपने, जस्ट बिकॉज कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो हम जाएंगे कहीं। नाउ ही इज़ बेटर, सो कोई प्लान तो नहीं है कल का, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाने के थे। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर बना लेंगे जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर काम करवाना चाहे वैसा जैसे मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आइडिया ले सकते हैं, जो भी काम करवाना चाहे ले सकते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं खत्म, यहीं पे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। कल बर्थडे विशेष देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पीस। कौन से वाला? मेरा बच्चा ठीक हो जाए मिलेगा, बाय। और मैं अभी घर आया हूँ, तो गरिमा ने मेरे को ड्राइंग रूम में जाने से मना कर दिया है, बिकॉज वहाँ पे शायद इसने कुछ सरप्राइज़ किया हुआ है। तो वो देखते हैं भैया, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लगेगा और हमें भी पता लगेगा। तो इसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसने बोला वहाँ ना जाना। हमने कहा ठीक है भैया, अब तुमने इतनी मेहनत करी है, जो भी करा है, कम किया मेहनत ज़्यादा किया, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो भाई भाई।